ब्लॉग होता है यहाँ पर समाप्त। लिव योर लाइफ, लिव योर डे। समंदर में तैरने वाले लहरों से नहीं डरते, समंदर में तैरने वाले लहरों से नहीं डरते, और जो ऊंचाई चढ़ते हैं उन्हीं को मोहम्मद सलीम खान कहते हैं। अगर मैं ब्लॉगर नहीं होता तो क्या होता? नहीं, कत्या को भी सेम क्वेश्चन है, शादी कब करोगे? एक्चुअली सत्या से जब कोई पूछता है तो वो कहता है कि एमएससी के बाद मैं शादी करूंगा, मेरे से पूछता है सेम सेम आदमी के बाद। और कभी कोई शफीक से पूछता है तो बोलते हैं भाई के बाद। हम लोग एक दूसरे के बाद ही है, जिसका जिसका टिकट निकल गया वो निकल गया। कैसे हो? ठीक है, तो
जितने भी लोगों ने शुरू से मुझे फॉलो करते हैं मतलब सब शुरू वाले ही, तो शुरू शुरू में कुछ लोग ऐसे थे जो 22 देख के मुझे सब्सक्राइब किए थे, तो आर्वन था हमारे ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको पेंट किया था। तो आप लोगों ने देखा होगा शुरू से ही ये मेरे गले में आपको दिखा होगा हर राइड में या कहीं ना कहीं, तो ये आर्मी टैग जो है इसका एक स्टोरी है छोटी सी, हुए बता रहा हूँ। मैंने एक हॉलीवुड मूवी देखी थी तो उसमें सारे आर्मी लोग और मूसा जी, तो बाकी जो वॉलंटियर्स है आप लोग को मतलब मुंबई में कितने वॉलंटियर्स है? 70 वॉलंटियर्स है। अब सोचो अगर 70 लोगों को मैं दूर तो फिर वो हो नहीं पा रहे, लेकिन मोहब्बत उतनी है सब लोगों से, आप लोगों को सबको थैंक यू। आप किसी को कुछ पूछना है मेरे से, कोई सवाल जवाब होंगे तो सही। मुंबई में जब मीटर हुआ था ना वहां पर तो चुप करना पड़ा लोगों, मेरे बस पर भाई और ज्यादा हम क्वेश्चन ले नहीं सकते। किसी को कुछ सवाल जवाब? 24 लाख घर जाएंगे बजट के मुताबिक, मतलब लाख। कत्या को भी सेम क्वेश्चन है, शादी कब करोगे? एक्चुअली सत्या से जब कोई पूछता है तो वो कहता है कि अगस्ती के बाद मैं शादी करूंगा, मेरे से पूछता है। और कभी कोई शफीक से पूछता है तो बोलते हैं भाई के बाद, हम लोग एक दूसरे के बाद ही है, जिसका जिसका टिकट निकल गया वो निकल गया। पहला घोड़ी चढ़ेगा कौन? तीनों साथ में चढ़ो, तीनों साथ में एक ही घोड़ी चढ़ेगा। चलो हमने जब भी कहीं पे भी मीटर रखना था, वैसे हम लोग 19 जगह पे मीटर रखने वाले, ये 5-6 साल हो गए तब से मेरे गले पे होता है, तो इसमें बेसिकली मेरा नाम लिखा होता है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा होता है, मेरी नेशनलिटी लिखी होती है और मेरा एक फेवरेट कोड लिखा होता है। तो दूसरे वाले टैग में लिखा था लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम, अभी इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। इसमें जो हमारा टेक है इंडियन हेरिटेज सागा, तो इसमें हम लोग 19 स्टेट्स एक्सप्लोर करने वाले उसमें से थोड़े व्यूज मिले बढ़ते तो मैं आज अवेलेबल था। नथिंग टू फियर इन लाइफ बिकॉज डिफीट्स लाइफ में आते रहते हैं और डिफीट को ओवरकम करके ही आगे बढ़ना बहुत बड़ी चीज है। मैं जानता हूं कि जब आप इन चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हो बहुत, मतलब हमारे जैसे मंगेशी टेम्पल है, साफा मस्जिद है, ऐसे हर एक चीज है जहाँ हेरिटेज है, और इस हेरिटेज के पास जाते समय
एक चीज को आप मैसेज लेके चलो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है मेरे भाई में। बेस्ट विशेष असा हम फैजाना कॉन्ग्रेचुलेट करता है फैजानच्या टीमी कॉन्ग्रेचुलेट करता। आई एम नॉट ओनली पार्ट ऑफ युअर ड्रीम, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ टीम इंडिया एंड ड्रीम इंडिया। डू गुड, बी गुड, बी प्राउड अबाउट इट। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि समंदर में तैरने वाले लहरों से नहीं डरते, समंदर में तैरने वाले लहरों से नहीं डरते, और जो ऊंचाई चढ़ते हैं उन्हीं को मोहम्मद सलीम खान कहते हैं। बहुत गर्व महसूस होता है कि आज इतने यूथ हंगा जमला हे सगले यूथ हम इतने संगा सोता कि पॉलिटिक्स एक घाण गजल, सोशल वर्क एक बरी गजल। बरी गजाली फुढ़े सुरूया केतन माडेकर तुमच्या वडा सदांच असतलो। इलेक्शन टाइमार हिंदू मुस्लिम जाता, आम्ही हिंदू मुस्लिम आम्ही काम खबर ना, आमका हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव कोणते खबर ना, आमका खबर असा ते वी आर प्राउड टू बी इंडियन्स, वी विल लिव टू बी इंडियन्स एंड वी विल डाई टू बी। हाथ खड़े करके फिर बताओ तो काउंट होगा, नहीं तो फिर भीड़ में से कोई ना कोई बोलते रहेगा। नहीं बताओ बताओ, नहीं नहीं ये बहुत आसान है, लेकिन सबको हाथ खड़े करना है और देख लिया सबसे पहले तो हाथ खड़े करना है। अगर मैं ब्लॉगर नहीं होता तो क्या होगा? नहीं वॉलंटियर में से नहीं, किसमें से? हाँ एक्टर, एक्टर बोलो, कोई भी बता देंगे। ये लो सर, आप राजा सिंह का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आप लोगों ने, अगर मेरे ब्लॉग्स गौर से देखे होंगे ना, काफी टाइम तक वो मेरे लाइफ लिव योर ड्रीम। ठीक है, तो अभी एक ऐसा टाइम आ चुका है कि करंटली आई एम लिविंग माय लाइफ एंड लिविंग माय ड्रीम। मतलब मैंने देखा होगा लाइव ब्लॉग करते हुए, नहीं देखा होगा सबसे पहले तो बाल क्या मेरा तो गोवा का बेटा। और मैं यहाँ पर स्टेज पर आते सबसे पहली चीज जो नोटिस किया वो ये, क्या भैया मेरी शादी हो रही है? फूल फूल सजा के रखे। ये जो बैनर है ये हमने नहीं बनाया, यहाँ पर फैजान और मूसा आप लोगों ने बनाया, ये यहाँ के मुंबई गोवा के वॉलंटियर्स ने इसको बनाया है, तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा ये चीज़। और क्या सुना सुनाया भाई, क्या लगता है यार मेरे को। हेलो, अरे नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सो मच। अभी जो मुंबई मीटअप में हम लोग नहीं कर पाए वो यहाँ करने की कोशिश करेंगे, वो है पोस्टली सबको सेल्फी रहे। अगर भीड़ भाड़ किया किसी ने तो फिर यार ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट थैंक यू सो मच आप सभी लोग आए, अभी आप मेरे ब्लॉग का हिस्सा बनने वाले हो, मुझे जोश चाहिए, पावर चाहिए। लेकिन इसको अभी मैं शूट कर रहा हूँ और एंड में डाल दूंगा, ठीक है, ओके। आई होप आपको, अरे रुको रुको बाबा, सबको बोलना है ओके, जो तुमको करना है तुम करना। आई होप आपको आज का ब्लॉग देखने में अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी ब्लॉग होता है यहाँ पर समाप्त। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। Give up to never back down, you can throw the stone even
when the night's the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me.